दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों के मन में एक ख्याल तो जरूर आता होगा कि अगर मुझे ऑप्शंस ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर किसी भी तरह की ट्रेडिंग करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस में एक्सपर्ट बनना है तो मुझे क्या क्या सीखना होगा। मतलब ऐसे कौन से 15-20 कंसेप्ट, स्ट्रेटजीज, इंडिकेटर्स या चार्ट पैटर्न्स हैं जिन्हें सीख कर मैं ये मान सकता हूँ कि मैं ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बन गया हूँ। अगर आपके मन में एक ख्याल आता है तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इस वीडियो के अपलोड होने से पहले YouTube में ऐसी कोई भी वीडियो नहीं थी जो ये बताती थी कि ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको क्या क्या सीखना होगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि जब आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड सभी कंसेप्ट, इंडिकेटर्स, स्ट्रेटजी, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स एक्सेट्रा पता होगा तभी आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बन सकते हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है जो ये कह सकता है कि वो ट्रेडिंग के सभी कंसेप्ट और स्ट्रेटजी को जानता है। मैं भी ट्रेडिंग के सारे कंसेप्ट में एक्सपर्ट नहीं हूँ और बनना जरूरी भी नहीं है। अक्षय कुमार की एक मूवी है चांदनी चौक टू चाइना, उसका एक डायलॉग है, मुझे उन 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस किए, मुझे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस की है। यानी अगर आप बहुत सारे कंसेप्ट को एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इससे आप एक्सपर्ट नहीं बनेंगे, बल्कि अगर आप किसी एक कंसेप्ट को बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे तब जरूर आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में सिर्फ एक कंसेप्ट से कुछ नहीं होगा, इसलिए 8-10 कंसेप्ट को आपको सीखना होगा और उन्हें बार बार प्रैक्टिस करना होगा तभी आप एक्सपर्ट बन पाएंगे। और वो कौन कौन से कंसेप्ट हैं जो आपको अच्छे से आने चाहिए ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिन्हें ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए अगर आप ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो हो सकता है कि आपको इस वीडियो की कुछ बातें थोड़ी कॉमन लगे, बट बहुत सारे नए लोग भी इस वीडियो को देखेंगे तो बेसिक बताना भी जरूरी है। चलिए दोस्तों बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है और आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या सीखना होगा। लेकिन उससे पहले शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली फ्री अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। तो दोस्तों सबसे बेसिक कंसेप्ट जो आपको आना चाहिए वो है ट्रेड लेना। मतलब शेयर खरीदते कैसे हैं, बेचते कैसे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। वैसे आप में से ज़्यादातर लोग ये जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो भी दिया है जिसको देखकर आप अपना अकाउंट घर बैठे अपने मोबाइल से खोल पाएंगे। अब जब आपका अकाउंट खुल जाएगा तो उसके बाद आपको एंजल वन का ऐप डाउनलोड करना होगा जिससे आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। और उसमें ट्रेडिंग कैसे करनी है, शेयर कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो वहां से आपको शेयर खरीदना और बेचना आ जाएगा और ट्रेडिंग कैसे करनी है, ट्रेड कैसे लेना है वो भी आ जाएगा। अब जब आपको ट्रेड लेना आ जाएगा तब आपको स्टॉप लॉस लगाना भी सीखना होगा, क्योंकि अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता है या अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आपको ज़्यादातर लॉस ही होगा। इसलिए ट्रेड लेना सीखने के साथ ही आपको स्टॉप लॉस लगाना भी सीखना होगा। इसके साथ ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का एक कंसेप्ट है जिसमें हम अपने स्टॉप लॉस को चेंज करते रहते हैं, वो भी ज़रूर सीख लीजिएगा, इससे आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब जब आपको ट्रेड लेना आ गया, स्टॉप लॉस लगाना आ गया और आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने का तरीका भी सीख लिया, तब आपको जरूरत पड़ेगी टेक्निकल एनालिसिस की, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस से ही आपको समझ आएगा कि ट्रेड लेना कब है। अब टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए आपको चार्ट्स देखने होते हैं, तो चार्ट्स देखने के लिए आप बहुत सारी वेबसाइट है, जो मैं यूज करता हूँ वो है tradingview.com। आप चाहें तो कोई भी वेबसाइट यूज कर सकते हैं, इस वीडियो में कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, जो मैं खुद यूज करता हूँ वही आपको बता रहा हूँ। अब ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट में जाने के बाद चार्ट्स को ओपन करने के लिए जिस भी स्टॉक या इंडेक्स का चार्ट आप देखना चाहते हैं उसका नाम आप सर्च कर सकते हैं और इस तरह से उसका चार्ट ओपन हो जाएगा। अब आपको चार्ट ओपन करना आ गया है तो अब शुरुआत होती है टेक्निकल एनालिसिस की। तो इसमें सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बहुत हद तक फॉलो करती है। अगर किसी शेयर की प्राइस अपने सपोर्ट के पास है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ से शेयर की प्राइस नीचे नहीं गिरेगी और ऊपर ही जाएगी, तो आप सपोर्ट के पास बाय कर सकते हैं। और जब शेयर की प्राइस अपने रेजिस्टेंस के पास होती है तो वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जाएगी, तो आप वहाँ पर सेल कर सकते हैं। बट ट्रेडिंग में ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जो हमेशा काम करता है, इसलिए इसके साथ आपको स्टॉप लॉस और अदर स्ट्रेटजी का भी यूज करना होगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अब जब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कंसेप्ट समझ आ जाएगा तब आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखना होगा।
ट्रेंड लाइन भी जब मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में होता है उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही काम करती है। आपने एक कोट भी जरूर सुना होगा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स, जिसका मतलब होता है कि जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता है तब तक आपको पेशेंस रखना चाहिए, और अगर ट्रेंड चेंज हो जाता है तो आपको स्ट्रेट से एग्जिट कर लेना चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद थर्ड कंसेप्ट जो आपको सीखना है वो है प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड। प्राइस का मतलब तो आपको पता ही है, तो सीधा वॉल्यूम का मतलब जानते हैं। तो दोस्तों शेयर मार्केट में वॉल्यूम का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर डे में कितने शेयर्स बाय या सेल हुए हैं या फिर उस शेयर में कितनी ट्रेडिंग हुई है। तो अगर किसी स्टॉक के 1,00,000 शेयर्स एक दिन में ट्रेड हुए हैं या बाय या सेल हुए हैं तो उसका वॉल्यूम हुआ 1,00,000। अब प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड का मतलब होता है कि वॉल्यूम के हिसाब से प्राइस किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो अगर किसी शेयर की प्राइस बढ़ रही है और उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, यानी कल 1,00,000 का वॉल्यूम था आज बढ़कर 1,10,000 का हो गया, तो इसका मतलब है कि जो भी ट्रेंड चल रहा है वो आगे भी कंटिन्यू होगा। यानी अगर शेयर की प्राइस बढ़ रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो आगे भी प्राइस बढ़ेगी, और अगर शेयर की प्राइस गिर रही है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आगे भी प्राइस गिरती ही रहेगी, और अगर वॉल्यूम घट रहा है तो इसका मतलब होता है कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। यानी अगर प्राइस बढ़ रही है तो अब गिरना स्टार्ट हो सकती है, और अगर गिर रही है तो बढ़ना स्टार्ट हो सकती है। तो ये कंसेप्ट भी आपको सीखना होगा। अब जब आप ये तीन बेसिक कंसेप्ट सीख जाएंगे तो इसके बाद आपको कुछ इंडिकेटर सीखने होंगे। वैसे तो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए 90 से भी ज़्यादा इंडिकेटर्स हैं, बट सभी इंपॉर्टेंट नहीं है और सब सीखना ज़रूरी भी नहीं है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स जो आपको सीखने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहला है मूविंग एवरेज। आपने सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का नाम जरूर सुना होगा। इसके नाम से ही पता चलता है कि मूविंग एवरेज ये बताता है कि शेयर की प्राइस किस एवरेज से मूव कर रही है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देखकर इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया है। अब जब आपको मूविंग एवरेज के बारे में आ जाएगा तो सेकंड इंडिकेटर जो आपको सीखना है वो है RSI। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। ये जनरली 14 डेज के स्टैंडर्ड पर कैलकुलेट किया जाता है और ये ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बारे में बताता है। अगर इसकी वैल्यू 70 से ऊपर जाती है तो ये माना जाता है कि स्टॉक ओवरबॉट जोन में है, और अगर इसकी वैल्यू 30 से नीचे जाती है तो ये माना जाता है कि ये स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में है। जब भी आप RSI को यूज करते हो तो इसके साथ किसी और इंडिकेटर या स्ट्रेटजी का भी यूज जरूर करें, क्योंकि अगर आप इसे सिर्फ अकेले यूज करेंगे तो आपको फेक सिग्नल्स भी मिलेंगे। अब दोस्तों थर्ड इंडिकेटर है बॉलिंजर बैंड्स। इसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद फोर्थ इंडिकेटर जो आपको सीखना है वो है ADX, यानी एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। फिफ्थ इंडिकेटर जो आपको सीखना है वो है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। सिक्स्थ इंडिकेटर है स्टोचेस्टिक ऑसिलेटर। सेवेंथ है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और एट्थ है ओपन इंटरेस्ट। तो ये सभी इंडिकेटर्स अगर आप सीख लेते हैं तो इतना काफी होगा इंडिकेटर्स के लिए। अब जब आप इंडिकेटर सीख लेंगे तो इसके बाद आपको कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने होंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी का। तो बहुत सारे टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं और सभी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें मेनली हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, पियर्सिंग लाइन, डार्क क्लाउड कवर, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, जैसे बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। इसके ऊपर मैंने दो वीडियोस बना रखी हैं। इन दोनों वीडियोस को अगर आप देख लेते हैं और सीख लेते हैं तो आपको लगभग जो भी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं वो सभी आ जाएंगे। उन दोनों ही वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अब दोस्तों इसके बाद जो कंसेप्ट आपको सीखना है वो है चार्ट पैटर्न्स। इसके बाद चार्ट पैटर्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको डबल बॉटम, जिसे हम W पैटर्न भी कहते हैं, और डबल टॉप, जिसे M पैटर्न भी कहा जाता है, उसके बारे में सिखाया है। इसके साथ ही आप हेड एंड शोल्डर, राउंडिंग बॉटम, एसेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, राउंडिंग टॉप, कप एंड हैंडल, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम जैसे चार्ट पैटर्न भी सीख सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी ट्रेडिंग में बहुत कुछ है सीखने को, जैसे कि गैप अप एंड गैप डाउन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, एलियॉट वेव थ्योरी। ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात करें तो उसमें बटरफ्लाई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, स्ट्रैडल जैसी बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं। इनके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये सब कुछ आप सीख सकते हैं। इसके अलावा भी आप जितना सीखेंगे उतना आपको लगेगा कि बहुत कुछ है सीखने को ट्रेडिंग में, लेकिन आपको सब कुछ सीखना जरूरी नहीं है। बट कुछ कंसेप्ट में तो आपको एक्सपर्ट बनना होगा जिनसे आप ट्रेड ले सकें। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको सीखना है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी,
क्योंकि अगर आपने ट्रेडिंग के इमोशंस पर कंट्रोल करना नहीं सीखा तो फिर आप चाहे कितनी भी स्ट्रेटजी सीख लें, कितना भी टेक्निकल एनालिसिस करना सीख लें, आपको लॉस होने के चांसेस ज्यादा ही होंगे क्योंकि आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। इसलिए मैंने इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बना रखी है, आप उसे भी जरूर देख लें। उन सभी का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक सिलेबस समझ आ गया है कि ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको क्या क्या सीखना होगा। इसमें से बहुत सारे कंसेप्ट के ऊपर हमने वीडियोस बना रखी हैं, उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, और बाकी जो कंसेप्ट बच गए हैं उनके ऊपर भी हम फ्यूचर में वीडियो बनाएंगे। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल1 का लिंक दिया है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। धन्यवाद।